नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक जो हमारी लिमिट की जो फर्स्ट वीडियो थी हमने उसमें हम लिमिट क्या होता है उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से फैक्टर मेथड के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है लिमिट्स की। लिमिट्स के टॉपिक को समझना है तो आपको हमारी कंप्लीट जितनी भी वीडियो है पूरी वीडियो देखनी होगी आपको। अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझना है तो अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे समझेंगे सुनेंगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, दो मेथड हमने किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और फैक्टर मेथड। लास्ट हमारे फैक्टर मेथड और हमने रैशनलाइजेशन मेथड। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो दो मेथड हमने लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। तो पहले अगर इस वीडियो से आप स्टार्ट कर रहे हो देखना तो पहले आपको लास्ट वीडियो देखनी होगी, तभी आपको ये वाला टॉपिक ये वाली वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी आपको समझ में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास वन है तो लिमिट हमारी वन को अप्रोच कर रही है। तो वन को अप्रोच करने का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा वन है तो ये इधर से भी अप्रोच कर रही है और इधर से भी वन को। तो ये हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा इलेवंथ में हम इतना ध्यान रखना है, इतना ही सीखना है हमने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ट्वेल्थ में तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के नाम से भी टॉपिक आ जाएगा, कंटिन्यूटी वो फिर डिटेल में हम ट्वेल्थ में रीड कर सकते हैं, ट्वेल्थ के टॉपिक के अंदर रीड करेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के, कि जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है, आपकी जो भी वैल्यू अप्रोच कर रही है, चाहे वो वन को अप्रोच करे टू को, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी सो दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। एक तो आप उसको पुट, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है पुट करना, एक तो आप उसको पुट करते हो एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच राइट साइड की तरफ से। अगर कोई पर्सन यहाँ वन पे खड़ा है थोड़ा सा अगर आप ऐड कर देंगे तो इस तरफ आ जाएगा, थोड़ा माइनस कर देंगे तो इस तरफ आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वन पे एक बार चेक करो क्या एग्जैक्ट वन पे वैल्यू दे रहा है। वन माइनस वन जीरो, वन का स्क्वायर वन, माइनस सेवन और प्लस फाइव, फाइव और टू सेवन, सेवन माइनस सेवन वही जीरो पॉइंट जीरो आ गया आपके पास। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। अब इंडिटरमिनेंट फॉर्म को आप इसको फैक्टर मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो, अगर फैक्टराइजेशन आप इसके कर सकते हो तो फैक्टर से भी हो जाएगा। अगर फैक्टर से नहीं करना चाह रहे मेंशन क्या हुआ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप क्या करेंगे, तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है वन प्लस एच और एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच, यानी आप लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से दोनों मेथड अप्लाई करके जो फंक्शन था हमारा हमने भी लास्ट वीडियो में देखा था वो वैल्यू हमें दे रहा था एग्जैक्ट वैल्यू से हमारा एक्स प्लस टू आया था। जैसे फॉर एक क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू लिमिट एक्स टेंस टू टू, यह मेरा क्वेश्चन था। तो इसको हमने टू का स्क्वेयर बनाया और एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू किया, एक फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू टू एक्स माइनस टू और x प्लस टू अपॉन में कितना है x माइनस, ये कैंसिल हो गया। और जो इसमें पुट करोगे आप तो ये 2 के ऊपर 4 वैल्यू दे रहा था लेकिन 2 से कम और 2 से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज थी वो प्रोवाइड कर रहा था हमारे पास। तो वही सेम चीज़ हमने क्या करना है, अब यहाँ पे लेना है तो x 1 प्लस एच और ये h एक स्मॉल क्वांटिटी होगी, बिल्कुल स्मॉल, 1 में थोड़ा सा माइनस कर दो तो इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, थोड़ा प्लस कर दो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो इन दोनों मेथड से हम इस चीज़ इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हम माइनस वाला मेथड अप्लाई करते हैं, आप इसको प्लस वाले मेथड से प्रैक्टिस कीजिए उससे भी आपका आंसर सेम आएगा। तो हम माइनस वाले मेथड से करते हैं, पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। अब x मेरा 1 को अप्रोच कर रहा है तो जब x मेरा 1 को अप्रोच करेगा तो h मेरा किसको अप्रोच करेगा, यहाँ 1 है 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा तो h मेरा किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, नॉट एग्जैक्ट 0, अप्रोच इज टू 0, ये भी अप्रोच 1 को कर रहा है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, लिमिट h टेंस टू 0 वैल्यू ऑफ x 1 माइनस h माइनस 1, यहाँ से 2 ब्रैकेट 1 माइनस एच का स्क्वेयर माइनस 7 1 माइनस एच और प्लस का 5, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल प्लस 1 माइनस का एच अपॉन 2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी माइनस 7 और प्लस 7 एच और प्लस का 5, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच 2 प्लस 2 एच स्क्वेयर और माइनस का 4 एच, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 7 प्लस 7 एच और प्लस का 5। यहाँ से हमारे पास क्या बना, अब एक बात आपने याद रखना कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं तो डिनोमिनेटर में से जिस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ एच नहीं होगा ना वो चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी, अगर नहीं हो तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। 5 और 2 7, 7 माइनस 7 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0, ये 5
और 2 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ऊपर माइनस एच अपॉन में 2h² माइनस का 4h और प्लस का 7h, ये वैल्यू बची हमारे पास। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, नीचे से h कॉमन ले लो, ये बचेगा 2h माइनस प्लस का 4 प्लस 7 माइनस 4 प्लस के 3h, h कॉमन आएगा कितना बचा हमारे पास प्लस का 3, h से h कैंसिल, ये वो कैंसिल हुआ जो जीरो बना रहा था आपका। थोड़ा आइडिया हो गया आपको अब इसको इन क्वेश्चंस का। जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 2 × 0 = 0, क्या बचा ऊपर माइनस 1/3। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स को 1 + 1 - h किया है। आप प्लस करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी सारी चीज़ें, तो सिर्फ आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर के ओपन हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, अगर प्लस अगर ये आपके आपके ऊपर है, अगर मेंशन हो कि राइट हैंड साइड वाला तो 1 + h कर दो, मेंशन हो लेफ्ट हैंड साइड 1 - h कर दो, कुछ भी मेंशन ना हो सिर्फ इतना हो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो क्या करना है, x = 1 - h और उसको आप अप्लाई, जीरो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टाइप है हमारी लिमिट्स की, तो वो टाइप है लिमिट x → a (x^n - a^n)/(x-a)। जो हमने लास्ट वीडियो में, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी लिमिट की, उसको सबसे लास्ट में टाइप हमने छोड़ी थी। तो ये इस क्वेश्चन को हम, हमारा जो आंसर आता है इस टाइप का, इसका प्रूफ भी गिवन है बुक के अंदर, पर हमें प्रूफ को याद रखने, 11th स्टैंडर्ड पे प्रूफ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है। तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, आपको एक सिमिट्री बनती है, इसमें सिमिट्री को याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है कि x टेंड्स टू a, x a को अप्रोच कर रहा है, तो वही चीज़ आप यहाँ पर रखो x - a, x - a, ध्यान रहे दोनों पावर सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं x² - 4, तो ये इस सिमिट्री को फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 नहीं है तो हम बनाएंगे, हमें सिमिट्री फॉलो करनी है, 2 नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। नीचे x - 2 है, यहाँ भी x - 2, यहाँ x - 2 है, यहाँ x - √2, सिमिट्री नहीं बन रही हमारी, तो यहाँ भी हमें बनानी पड़ेगी सिमिट्री। तो सिमिट्री बनने के बाद फिर रिजल्ट क्या आता है, आप इसको पकड़ लो, अगर सिमिट्री बन गई तो इसको पकड़ लो और इसके अंदर क्या करो, इसकी पावर को आगे ले आओ और पावर में से कम कर दो, सिर्फ इतना करना है, पावर को आगे ले आओ और पावर में से एक कम कर दो, ये आपका आंसर होगा, दैट्स इट। अब इसकी सिमिट्री बनाइए, आप इस क्वेश्चन की सिमिट्री बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अब इसकी सिमिट्री बनाते हैं हम, तो ये हो जाएगा लिमिट x → 2 x² - ये 4 है, इस 4 को लिखेंगे हम 2² अपॉन में x - 2, लिमिट x → 2 a² - b², क्या बनेगा a - b और a + b और अपॉन में कितना a - b। अब देखो ये क्वेश्चन था, हम इसको उस पैटर्न से ले जा रहे हैं एक बार, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, उससे भी हो जाएगा, बट अगर डायरेक्ट करना हो हमें तो डायरेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर मेथड में चला जाएगा क्वेश्चन, बट हम इस क्वेश्चन को इस सिमिट्री के अकॉर्डिंग करेंगे, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पैटर्न बन गया x → 2 x - 2 x - 2, आप इसको पकड़ लीजिए, क्या करेंगे, पावर आगे 2, ये पावर आगे और पावर में से एक कम, 2^2 - 1, इट मीन्स 2 × 2^1, 2^1 2, 2 × 2 = 4, ये आपका रिजल्ट है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं इसी पैटर्न से, लिमिट x → √2 x² - ये 2 है, इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, √2² लिख सकते हैं, नीचे कितना है x - 2 और अंडर रूट, पैटर्न बन गया, पावर दोनों की सेम है, तो क्या करेंगे आप यहाँ से, ये आगे आ जाएगा 2 √2 / 2 - 1, पावर आगे पावर में से एक कम, आप इसको पकड़ लो बस, आपने ये ध्यान रखना है, पावर आगे पावर में से एक कम, तो यहाँ हो गया 2 × √2^1, इट मीन्स 2^1 / 2^1/2, इसको 1/2 पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये पावर 1, बेस सेम पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, कितनी होगी पावर 1 + 1/2, कितना हो जाएगा 2^3/2, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन इस तरह से आता है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये रब कर देते हैं हम यहाँ से दोनों क्वेश्चन, अगर आपको समझना है तो आप इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट से आप उसको बाद में एक बार अच्छे से मतलब आप देख सकते हो, आप इसको नोट विद नोट डाउन कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आया थोड़ा स्पीडली रब कर दिया तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, असाइनमेंट नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन है 4th, लिमिट x → 1, हमें यहाँ पर क्या बताया गया था, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिमिट्री बताई थी कि यहाँ पर जो पावर, ये दोनों पावर सेम होंगी,
पहली बात तो दोनों पावर सेम नहीं है, सेम कैसे बनाएंगे, 1 की पावर 15, 1 की पावर 10 कर सकते हैं। सेकेंड टर्म क्या थी कि सर डिनोमिनेटर के अंदर तो विदाउट पावर यानी पावर 1 के साथ आना चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है पावर 10 के साथ, यानी ये खुद एक फंक्शन बना के दे रहा है हमें। हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिमिट की प्रॉपर्टीज आती हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इस क्वेश्चन से पहले आप ये प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो इसमें हम क्या करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऊपर वाले पे अलग अप्लाई कर देते हैं और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई कर देते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो ऐसी तरह से जैसे डिवाइड में हो रहा है यही सेम चीज़ प्लस में चलती है, यही मल्टीप्लाई में और यही माइनस के अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चारों के अंदर यही फॉर्मेट चलता है कि अगर लिमिट दो फंक्शन पे प्लस हो दोनों पे इंडिविजुअल लगेगा, माइनस हो दोनों पे इंडिविजुअल, डिवाइड में आएंगे दोनों पे इंडिविजुअल, मल्टीप्लाई में आएगा दोनों पे इंडिविजुअल। तो इस तरह से चारों जो हमारे ऑपरेशंस हैं चारों के अंदर लिमिट क्या होगी अलग अलग डिफरेंट यूज़ होगी। अब सेम यहाँ पर है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इस क्वेश्चन को दो कंसेप्ट बना लेंगे इसके, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू वन। एक बात याद रहे कि ये दोनों ये जो लिमिट यहाँ पर होगी ये फॉर्मेट यहाँ होना जरूरी है, एक्स रेस टू पावर 15 माइनस 1 रेस टू पावर 15। अब जो मेरे पास यहाँ है अब मुझे इसके नीचे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, एक्स माइनस ए था तो रिक्वायरमेंट किसकी है एक्स माइनस ए की, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एक्स माइनस 1, तो क्या करूँगा एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दो, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे क्या बनेगा सेकेंड फॉर्मेट, लिमिट एक्स टेंस टू 1, इस क्वेश्चन को अलग बना दो, जैसे आपने इसको लिया इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते दोबारा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स रेस टू पावर 15 माइनस 1 रेस टू पावर 15 अपॉन एक्स माइनस 1, ये आपने किया। इसी को नीचे दोबारा अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1, इसको एक अलग फॉर्मेट दो आप, एक्स रेस टू पावर 10 माइनस 1 रेस टू पावर 10। डिनोमिनेटर में मुझे क्या किसकी रिक्वायरमेंट है एक्स माइनस 1 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे एक्स माइनस 1 से डिवाइड और एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये आपको एक अलग रिजल्ट देगा ये आपको अलग रिजल्ट देगा। तो इसका फॉर्मेट बन गया एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, तो क्या बना मेरे पास ये 15 आ गई और 15 की पावर माइनस 1, यही फॉर्मेट था, पावर आ गई पावर में से कम, यहाँ पे क्या बनेगा 10 आ गई और 10 में से 1 10 माइनस 1, ये क्या बना 1 रेस टू पावर 14 1 रेस टू पावर 9 1, रिजल्ट इज 15 अपॉन 10, 5 से कैंसिल कीजिए 3 अपॉन 2। तो इस तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक जो हमारा लास्ट इसका एक क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है क्वेश्चन, तो ये आप एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की उसका क्वेश्चन है। तो सेम इसी पैटर्न से लिमिट जेड टेंस टू 1 z रेस टू पावर 1 बाई 3 माइनस, अब यहाँ कोई भी पावर नहीं है तो 1 की हम पावर सेम ले सकते हैं, तो 1 रेस टू पावर 1 बाई 3 ले सकते हो आप। तो इसका एक अलग फॉर्मेट बनाओ इसके अकॉर्डिंग, नीचे रिक्वायरमेंट किसकी है x माइनस ए की, क्या आना चाहिए नीचे z माइनस 1, तो हम क्या करेंगे z माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में लिमिट z टेंस टू 1 क्या है z रेस टू पावर 1 बाई 6 माइनस 1, नीचे कितना आया z माइनस 1, यहाँ कितना आया z, सेम पैटर्न जो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन किया था, ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का एक अलग फॉर्मेट अलग पैटर्न बन गया, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर का एक अलग पैटर्न बन गया, दोनों को सोल्व कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा पावर आगे और पावर में से एक कम, यहाँ पे क्या आएगा इसको 1 बाई 6 ये 1 बाई 6 लिख सकते हैं इसको हम, तो 1 रेस टू पावर 1 बाई 6 माइनस 1, फॉर्मेट था ना कि जब भी ऐसा फॉर्मेट बनता है आप इसको पकड़ लो और इसकी पावर आगे पावर में से कम कर दो, दैट्स ऑल। 1 की पावर कुछ भी आ जाएगा 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 बनेगा, क्या बना 1 बाई 3 इंटू, इसको जब ये एक फॉर्मेट होता है a अपॉन b और c अपॉन d जो हमारे पास जूनियर क्लासेज में आता है, तो हम क्या करते हैं a अपॉन b इंटू इसको चेंज कर देते हैं कि क्या हो जाएगा d अपॉन c, तो वही फॉर्मेट यहाँ लगाना आपने, 1 बाई 3 इंटू कितना हो जाएगा 6 बाई 1, कैंसिल हो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर रिजल्ट कितना आया 2 आया।
तो इस तरह से आप हम ये वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे आपके एनडीए एग्जाम्स हैं, एयरफोर्स हैं, तो उसके अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है उसका रिजल्ट आपको, तो आप इस अगर प्रैक्टिस होगी आपकी तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अभी इसकी एक टाइप है, इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं हमारे एनसीईआरटी बुक से, इसी तरह के क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हम वो डिस्कस करते हैं इसके। तो ये हमारे पास कुछ तीन क्वेश्चन हैं, थ्री क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्टी लगते हैं, और डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन इसी तरह के हैं कि कई बार ये क्वेश्चन ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे। तो अब फॉर्मेट यही है, अब कैसे समझेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पर मेरे पास x माइनस ए था, पावर n थी, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, क्योंकि वो फॉर्मेट क्या बोलता है हमारा, x आना चाहिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स को आप एक अनदर वेरिएबल मान लो, 1 प्लस एक्स को आप लेट कर लो, लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई लेट कर लो, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट इस 1 प्लस एक्स की जगह आपका क्या आएगा, वाई वाई रेस टू पावर एन माइनस 1 और अपॉन में, अब x की वैल्यू फाइंड करो, x कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 1 को उधर भेज दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से y माइनस 1, y माइनस 1 आ गया। अब देखिए ये बात ध्यान रखने की, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये x में है और यहाँ पे क्या करते हैं x टेंड्स टू 0 लगा देते हैं, तो ये बात ध्यान रखने की, अगर आपका फंक्शन y की फॉर्म में बन चुका है तो लिमिट भी किस फॉर्म में बनेगी, y की फॉर्म में बनेगी, y का फॉर्मेट ही होना चाहिए, x का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, ये एक गलती करते हैं, फिर इससे क्वेश्चन फिर आगे एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा आपका क्वेश्चन, वो सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो समझेगा इसको इतना नॉलेज नहीं है बच्चे को कि यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, तो सब्स्टिट्यूट किसकी जगह, पुट किसकी जगह करेगा वैल्यू को, तो आपने क्या करना है, x टेंड्स टू 0 था, अगर आपका x 0 को टेंड्स कर रहा है, हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था, अगर x 0 को टेंड्स कर रहा है तो y किसको टेंड्स करेगा, 1 को, अगर x 0 यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, अगर x 0 को टेंड्स करता है तो y किसको टेंड्स करेगा, 1 को, मतलब y 1 की तरफ अप्रोच करेगा, तो हमारे पास लिमिट क्या बन जाएगी, y टेंड्स टू 1। अब तो फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको इस क्वेश्चन का, y रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको पावर n लिख सकता हूँ मैं, अब फॉर्मेट बन गया, इसको पकड़ लो आप, 1 की पावर तो कुछ भी कर सकते हो, तो n 1 रेस टू पावर n माइनस 1, तो रिजल्ट कितना आया आपका, 1 रेस टू पावर एनीथिंग 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका n आ गया, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का, मैं रब कर देता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ से। अभी आपके पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें 1 प्लस एक्स था, आपने वायलेट किया था, अब इसको वायलेट मत कीजिए, अब ये क्वेश्चन है जो यहाँ पर है ऐसा ही डिनोमिनेटर में बना लो, जैसा न्यूमिनेटर में वैसा क्या बना लो डिनोमिनेटर में, कैसे बनेगा, x प्लस टू है तो यहाँ x प्लस टू कैसे बनेगा, 2 ऐड कर दो, और अगर कोई भी चीज़ ऐड हो रही है तो सबट्रैक्ट जरूर होगी, तो 2 माइनस कर दो। अब क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, लिमिट x टेंड्स टू, हमारे पास ये क्वेश्चन है a, x टेंड्स टू a, तो क्या बना हमारे पास, x प्लस टू रेस टू पावर 5/3 माइनस a प्लस टू रेस टू पावर 5/3, और अपॉन में कितना आएगा, अब इन दोनों को x प्लस टू को साथ रखो, तो x प्लस टू और इन दोनों में से a और 2 में से माइनस को मान ले लो, तो कितना आया माइनस, ये प्लस बन जाएगा a प्लस 2 आ जाएगा। अब एक फॉर्मेट चेक करो, क्या फॉर्मेट सही है, अभी भी सही नहीं है फॉर्मेट, एक मिस्टेक अभी भी है इस फॉर्मेट के अंदर, वो कहाँ पर है, x a को टेंड्स कर रहा है, ये हमारे अलग है, यहाँ a प्लस 2 है, क्या था आपसे कि जो चीज़ यहाँ होगी वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, अगर ये नहीं तो फिर गलत है, तो सिंपल क्या करेंगे, अगर x a को टेंड्स कर रहा है तो दोनों में 2 ऐड कर दो, तो क्या बनेगा, x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, दो ऐड हो जाएगा, चीज़ तो वही रहेगी, दोनों तरफ हमने 2 ऐड किया है, तो हमारा यहाँ फॉर्मेट अब क्या बनेगा, यहाँ से x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, राइट। अब हमारे पास फॉर्मेट सेम मैच हो गया, अब हम क्या करेंगे, पावर आगे पावर में से कम, तो यहाँ से इसको पकड़ लीजिए अब आप, तो 5/3 a प्लस 2 5/3 माइनस 1, कितना बचा 5/3 a प्लस 2 5/3 माइनस 1, एलसीएम कितना आया यहाँ पे 3, 5 माइनस 3 2, 2/3 आपका रिजल्ट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, गॉट इट।
तो ये फॉर्मेट था इस क्वेश्चन का। अब एक इसी तरह से जो क्वेश्चन है इसका हम इस टॉपिक का इस पैटर्न का हम इसमें से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है। जरूरी नहीं आपसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा वो, आपसे घुमा के पूछेगा थोड़ा सा। तो एक इससे पहले वाला क्वेश्चन 1+x को वायलेट किया था, एक ये वाला क्वेश्चन x प्लस 2 वाला, तो दोनों फॉर्मेट हो चुके हैं। तो लगभग इस फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मेट का, उसके बाद लिमिट का एक नेक्स्ट टाइप है वो हम टाइप अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो आप वीडियो वाइज शॉर्ट वाइज अपने नोट्स पे असाइनमेंट बनाते चलिए वीडियो वाइज, और उनसे रिलेटेड आप इंटरनेट से नेट से आप किसी भी साइट से आप उनके बुक से आप NCERT बुक से उनके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटर होगा आप NCERT बुक को फॉलो करें, NCERT से आप दूसरी कोई भी हेल्प बुक कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, और उसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे। आपके NCERT में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए कोई भी अदर बुक आप ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका दोनों तरफ इसमें ये फाइंड करना है, दोनों तरफ आपको फॉर्मेट ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, बस एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। इसको 1:4 लिख लीजिए, फॉर्मेट बन गया, ये फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी, ये भी फॉर्मेट आपका रेडी है, दोनों फॉर्मेट तैयार हैं। तो क्या करेंगे, 3a^2 एक कम हो जाएगी पावर, इधर क्या हुआ 4, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी 1^3, तो ये हो जाएगा a², इसको 3 को इधर ले जाओ 4/3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी ±2/3 स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो हमारा पास अंडर रूट लग जाएगा इसका। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे a² = 4/3 है, तो a = √4/3 प्लस माइनस के साथ, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2/√3 प्लस माइनस के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ±2/√3। तो ये हमारा जो टॉपिक था इस लिमिट का इस कंटेंट के ऊपर। अगली वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, आप एक बार थोड़ा रिवाइज भी कर सकते हैं अगली वीडियो से देखने से पहले कि किस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो जो हमारा अगली वीडियो का जो कंटेंट होगा वो ये होगा, लिमिट x→0 sin x/x, और सेकेंड लिमिट x→0 टेंजेंट। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और टेन, इनका जो रिजल्ट होता है इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस की, तब तक कमांड नहीं होगी आपकी। थैंक यू।